तो वो मंदाकिनी नदी है जो बिल्कुल साफ है और वो अलकनंदा नदी। कैमरा अलाउड नहीं है तो अब हम यही तक सीमित रहेंगे। तो सामने धूप आ रही है और इधर झरने का पानी है ना, तो पीछे रेनबो बन गया झरने के पीछे। पहाड़ के पहले पहले दर्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम ऋषिकेश में स्टे कर रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो अभी ऋषिकेश में हमने रात को स्टे करा था, तो अभी हम बैग में लेने के लिए मैं नीचे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पे नहा के निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो गर्म पानी भी है और इतना भी ठंडा नहीं है, दिल्ली जैसा मौसम है तो आराम से नहा लेंगे। तो मैंने बैग ले लिया देखो, तो ऊपर चलते हैं वापस नहा के फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी पहाड़ के दर्शन तो मैंने आपको करा ही दिया, तो ये ऋषिकेश देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो चलो अब चलते हैं इस वाले होटल में हमने स्टे करा। तो चेकआउट हो चुका है, सारा सामान वामान ले लिया, तो सब गए नीचे, हो गया चेकआउट। देखो ऐसे छोड़ दिया, अब वो भैया कर लेंगे। तो चलो चलते हैं अब अपने रास्ते पे, केदारनाथ के सफर को शुरू करते हैं। यहाँ से मस्त नजारा हो रहा है और मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन धूप निकलने से फर्क पड़ गया है। पहले सुबह सुबह हम आए थे ना सामान लेने के लिए, तब ठंड लग रही थी, अब नहीं लग रही थी ठंड। तो यहाँ भी थोड़ी सी शॉपिंग चल रही है, दवाइयों की और भी छोटा मोटा सामान ना, आगे मिलेगा नहीं और महंगा मिलेगा, इसलिए यहीं से लेके निकल रहे हैं। तो सारा सामान ले लिया है, अब निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इसी के साथ हमारा सफर शुरू होता है। तो ये सबसे पहली लैंडस्लाइड आ चुकी है, देखो पहली लैंडस्लाइड और पहला जाम। स्टॉप आ चुका है, खाने के लिए कुछ रुकेंगे। और मेरे पीछे देखो हिमालय नजर आ रहा है, पूरा क्लियर हिमालय नजर आ रहा है। तो इस वाले स्टॉप पे नहीं रुक रहे हम, मतलब पिछली बार हम जहाँ रुके थे ना वही रुकेंगे आगे। यहाँ पे खाने के लिए इतना कुछ है नहीं, तो अब सिर्फ वॉशरूम जाके फिर आगे चलते हैं। हम तो हिमालय देख के रुक गए थे कि हिमालय नजर आ रही है यहाँ से क्लियर। देखो मौसम कितना साफ सा हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रास का जूस भी मिल रहा है, पिछली बार पिया था हमने। तो चलो अब चलते हैं आगे, अब फिर खाना खाएंगे वहाँ आगे जाके। तो ये वाला ढाबा है जहाँ पे हमने खाना खाना है, मतलब यहाँ खाना था, पहले वहाँ उतर गए थे। तो जो लास्ट जब हम तुंगनाथ गए थे ना, तब हमने यहाँ पे खाना खाया था, तो गजब के पराठे और चटनी थी। तो हमने सोचा था कि यहीं पे रुकेंगे, तो लेकिन बहुत सारे ढाबे हैं ना तो वो एक जैसे ही लगते हैं, तो कन्फ्यूजन। यहाँ पे बैठेगा तो खाना वाना हो चुका है, चलते हैं यहाँ से ना नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। अभी पहले मेन तो यहाँ का व्यू है, देखो 1, 2 एंड 3 मस्त है ना। देखो नीचे नदी बह रही है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब तो चलो निकलते हैं वापस केदारनाथ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा श्रीनगर, अब वहाँ जाके मस्त समोसे खाएंगे। और वहाँ पे ना एक बर्फ़ी मिलती है श्रीनगर में, तो वो पहाड़ी बर्फी, मतलब पहाड़ों में ही मिलती है जैसे जम्मू में और सारी जगह पे हिमाचल साइड पे, तो वो वाली बर्फी खाएंगे। तो चलो चलते हैं, धूप की वजह से ही हम यहाँ पराठे खाने आए थे पहले भी, आए और फैन के मज़े लेते हुए। नायक भैया को कुछ मिला है तो देखते ही क्या मिला। ये कोई ढाबा है और ढाबा भी बन रहा है और उसकी छत पे हम चढ़ गए, ऊपर से हिमालय नजर आ रहा है क्लियर। थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं और फिर निकलेंगे। कितना मस्त सा पौधा है,
देखो तो हो गई अब फोटो सेशन, अब फाइनली हम निकल रहे हैं श्रीनगर के, अब नहीं रुकेंगे कहीं पे। चलो ये मानू जगह बचाती है पेट में अपने ना, अभी परांठे इसीलिए नहीं खाए ना। तो हम पहले यहाँ रुकते थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है ना, इसलिए हम पहले रुक गए, लेकिन जब बस से आते हैं ना तब यहीं रुकते हैं खाना खाने के लिए। देखो कितनी सारी बसें रुकी हुई है। तो देवप्रयाग पहुंच गए, अब यहाँ पे गंगा नदी का संगम, मतलब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ना, तो वो देखते हैं। चलो जब हम बस से आते थे ना तो बस से नहीं दिखता था, तो अब आराम से देखेंगे। देखो ये देखो, उधर आगे से दिखती ना, आगे से दिखेगी, तो हम थोड़ा पीछे चले गए तो उधर आगे से क्लियर दिखेगा। भीड़ लगी हुई है फोटो खींचने के लिए। तो वो मंदाकिनी नदी है जो बिल्कुल साफ है, और वो अलकनंदा नदी है, और जब ये यहाँ से आगे निकलती है ना तो ये गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो साफ जल है वो मंदाकिनी नदी है, और जो उधर से थोड़ा सा येलो येलो पानी आ रहा है ना वो है अलकनंदा, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो यहाँ पे भी फोटो सेशन भी हो गया, रील्स भी बना ली, तो हम निकलते हैं वापस। ऐसे नीचे भी जा सकते हैं, नीचे घाट बना हुआ है नहाने के लिए, कुछ लोग गए भी हुए इतने सारे लोग, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलो चलते। श्रीनगर क्रॉस कर लिया और अब हम पहुंच गए धारी देवी मंदिर, तो पीछे मंदिर है तो आज मंदिर में मत्था टेक के फिर निकलेंगे। अब आराम से जा सकते हैं ना, कोई अपनी गाड़ी या बस का कोई वो नहीं है, तो मंदिर में मत्था टेकते फिर निकलते हैं। मानू सो रही थी, मस्त है ना, उठा दिया ना, यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। के लिए चुन्नी ले लिया और ये रहा मंदिर का गेट, तो चलो चलते हैं अंदर मंदिर और दर्शन। और अभी हम थोड़ी थोड़े एक दो महीने पहले ही आए थे धारी देवी, और अब फिर से आ गए एक दो महीने और फिर से। धारी देवी मंदिर श्रीनगर के करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है। कहा जाता है कि यहां माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप लेती है, सुबह एक कन्या का रूप, दोपहर में एक युवती का, और शाम में एक बूढ़ी महिला का रूप। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अब हम यहीं तक सीमित रहेंगे, और फिर अगर देखेंगे नीचे जाएंगे ना तो फिर नीचे फिर से वीडियो बनाएंगे। तो चलो जय माता दी, मिलते हैं माता के दर्शन करने के बाद। तो दर्शन हो गए हमारे धारी देवी माता के, तो अब चलो चलते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ना, तो हम वीडियो मैंने पिछली बार भी नहीं बनाई थी, बस पहले कुछ पीते वीते ऊपर से फिर आगे निकलेंगे। तो अपना नींबू पानी आ गया, तो रेस्ट भी हो गया, नींबू पानी चाय वाय सब पी चुके हैं, अब निकलते हैं वापस आगे। अब नेक्स्ट स्टॉप रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में खाना खाएंगे, अब खाने का टाइम होने वाला है ना, 1:30 बज चुके हैं, तो 2:30 बजे तक रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो ना तो धारी देवी के दर्शन जरूर करना, तो यहाँ पे अलग ही मजा आएगा आपको। तो ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता है, लेकिन हाँ इस बार जाम नहीं है, वरना यहाँ पे बंद भी कर देते हैं, पहले एक साइड से लोग आते हैं फिर दूसरी साइड से छोड़ते हैं। पे काम चल रहा है ताकि लैंडस्लाइड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो अब हम कहाँ रुके हैं, यहाँ पे रुके हैं नहाने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो सामने वाटरफॉल है तो उसमें नहाएंगे, नीचे नहाएंगे। यहाँ वाटरफॉल है और यहाँ पे मंदाकिनी नदी, ये है मंदाकिनी नदी में। क्या नहाना है अंदर फिर। तो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, मतलब बैठने में ना, धूप हो रही है बहुत तेज, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नदी की वजह से, मंदाकिनी नदी है ये देखो,
जो नदी बिल्कुल क्लीन है ना, बिल्कुल जब आप केदारनाथ आते हो जो नदी बिल्कुल क्लीन है वो है मंदाकिनी नदी, और जो अभी येलो येलो थी ना वो थी अलकनंदा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लग रहा है बैठ के ना, तो सामने धूप आ रही है और इधर झरने का पानी है ना, तो पीछे रेनबो बन गया झरने के पीछे। ये देखो दिखाती हूँ आपको, देखो ये दिख रहा है ना, ये रेनबो बन रहा है। ये देखो यहाँ से ये कितना मस्त लग रहा है ना, देखो कुछ भी हो सकता है भाई, रेनबो झरने में बना हुआ है, बारिश भी नहीं आ रही ऐसी रेनबो दिख रहा है। और हम यहाँ से इधर आए ना, इधर आए तो दिख रहा है देखो पानी में पूरा रेनबो बन। तो बाकी तो नहा रहे हैं यहाँ पे मस्त, देखो सामने तारे नहा रहे हैं, तो हम पानी भरते हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा प्योर जल, प्योर बिस्लेरी भी फेल है क्या। बाकी नहा रहे ना तो मेरा भी मन कर रहा है देख के नहाने का, लेकिन ना यहाँ पे चेंज करने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए आगे नहा लेंगे। तो झरने के चक्कर में कपड़े भी गीले कर लिए, मतलब थोड़े से गीले हो गए लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैगी खाते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म झरने के बाद बैठ के, अच्छी है मेरी मैगी भी आ गई, तो खा के फिर निकलेंगे आगे। गाड़ी धोने का जुगाड़, पाइप लेके आए हैं अगले और गाड़ी धो रहे हैं। सही है गाड़ी धुल भी गई, आ भी गया पानी, सही है भाई। तो नहाना खाना सब कुछ हो चुका है, अब निकल रहे हैं वापस केदारनाथ के लिए। तो अब ज्यादा लेट हो चुके हैं वरना हम रात को और भी ज्यादा लेट हो जाएंगे, तो अब निकलते हैं। तो इस नदी के बीच में ये बड़ी सी शिला जो है, ये भी इसकी भी अलग कहानी है, ये भी भीम द्वारा यहाँ लाई गई है, और ये शिला भी एक शिवलिंग का रूप मानी जाती है यहाँ पे। कितना बुरा जाम लगा हुआ है, अब यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे केदारनाथ। मजाक कर रही हूँ, तो हम पैदल पैदल इतनी दूर आ गए, देखो जाम लग रहा था ना, और सामने नजारा देखो, मार्केट मार्केट में घूमते घूमते आ गए है मानु। हाँ। मजा आ रहा है। हाँ। तेज की बोलते। से रह गया 33 किलोमीटर, और अभी हम हैं गुप्त काशी में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेते हैं क्योंकि आगे तो सारी चीजें मिलेगी कॉस्टली है। ये वाली ये तो बड़ी है मानू के जो है, ये आ जाएगी अंगूठे वाली, ये देखो लेकिन ये सफेद है, कोई बात नहीं सफेद है ना, सफेद का काम आ जाए। तो स्टिल वी आर शॉपिंग, अभी भी शॉपिंग चल रही है। बेटी का फोन आया है, राजकुमारी जोई मेरी बेटी जोई। तो इसी के साथ हमारी शॉपिंग होती है कंप्लीट, अब हम निकल रहे हैं गुप्तकाशी से। हमने कपड़े मिठाइयाँ भी ले ली इतनी सारी, किटकैट भी ले ली, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड रुकेंगे, तो कैसा लग रहा है? मानू चॉकलेट लपेटने में लगी है, तो अभी उसको अच्छा ही लग रहा होगा। लेकिन सामने का नज़ारा देखो, अभी तो हिमालय दिख भी नहीं रहे यहाँ से, आगे देखें ओ बंदर। गौरीकुंड से 12 किलोमीटर अभी और दूर है, लेकिन रात हो चुकी है और ठंड भी हो गई है, तो इसलिए हमने गौरीकुंड से 12 किलोमीटर पहले ही रूम ले लिया। पहले हम गौरीकुंड ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे ना रूम के रेट्स बहुत ज़्यादा है, 4,000-5,000, और जिससे हमने बात करी है वो भैया मतलब अपने गाँव वाँव गया हुआ है, तो इस वजह से हमने यहीं पर ले लिया, यहाँ पर रीजनेबल रेट पर मिल गया, तो आज यहीं पर स्टे करेंगे। तो चलो रूम दिखाते हैं आपको, इतना ही है बस खत्म। एक वॉशरूम कैसा हो रहा है? चलो ठीक भाई, बड़ी मस्त ठंड हो रही है बाहर तो ना, अभी गाड़ी में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर उतरने के बाद ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये रही केटल, गर्म पानी करके पियेंगे मस्त।
कुली वाली फीलिंग आते थे इतने सारे प्यार बच गई, तो फुल कुली वाली फीलिंग आ रही है अभी तो। फंस गई, सामान भी निकालना, कपड़े भी चेंज कर रहे हैं ना, आज नहाए नहीं। अब हमने सोचा था गौरीकुंड पर नहाएंगे लेकिन पहुँच ही नहीं पाए गौरीकुंड तक, तो अब सुबह ही नहाएंगे। तो भाई रूम चेंज, दूसरे रूम में जा रहे हैं। इस वाले में थोड़ा सा ना जगह कम पड़ रही थी। तो ये अपना ही टावल है ना, ये टावल अपना है ना। हाँ, तो अब रूम चेंज कर रहे हैं। वो वाला थोड़ा वहाँ पे गीजर वीजर होगा ना, इसलिए यहाँ पे गीजर नहीं था, तो सुबह नहाते कैसे। तो ये है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी के घर में आ गए हम, लेकिन ठीक है, सुंदर सा लग रहा है, बड़ा कलरफुल ऐसा लग रहा है ये तो। अच्छा है, मस्त गाँव वाली फीलिंग आ रही है, ये देखो पूरे रोड पे। लेकिन ठंड बहुत है, लेकिन मज़ा आ रहा है। सुबह ठंड पता चलेगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम आए हैं ना, तो इतना नहीं पता चल रहा। सुबह जब होगी ना तब पता चलेगी ठंड। तो अब खाने का ऑर्डर वर्डर देंगे और फिर मस्त खाना खा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह करेंगे हम ट्रैक। वैसे इतनी थकान नहीं हो रही क्योंकि हम सो के आए थे ना ऋषिकेश में, तो इतनी थकान नहीं हो रही। और अगर हम जल्दी पहुँच जाते ना तो आज ही हम ट्रैक शुरू कर देते, जल्दी नहीं पहुँच पाए इस वजह से ट्रैक शुरू नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं, अब आराम से रेस्ट करके कल ट्रैक शुरू करेंगे। मानू देखो, मानू कैसे पड़ी है, मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। तो मस्त जैकेट वैकेट पहन के कवर कर लिया। अब खाना खाने के लिए हमें रूम के बिल्कुल सारे वहाँ सारी जा चुके हैं, बस वहाँ जाना है। अभी वहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अच्छा नहीं, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। तो गरम गरम रोटी यहीं पे सिक रही है और यहीं पे खा रहे हैं। तो मस्त रोटी चल रही है इनकी। कैसा लग रहा है भैया आपको, रोटी कैसी लग रही है? खाना आ गया, मस्त गरम गरम खाते हैं और सोएंगे। खाना वाना हो चुका है और ठंड भी हो रही है अब ज्यादा। अब हम भी जा रहे हैं रूम में सोएंगे अपना आराम से, और सुबह करेंगे ट्रैक केदारनाथ का शुरू, क्योंकि पहले तो हमें गौरीकुंड तक जाना है, तो सुबह ही हो पाएगा। तो अब मैं इस व्लॉग को यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना कि आपको यहाँ तक की जर्नी कैसी लगी थोड़ा, ताकि मैं और अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ। और आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आगे मतलब और अच्छे से बोल पाऊँगी, कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँगी आपके कमेंट्स की वजह से। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। सब सो रहे हैं।